ये वही एरिया है जिधर की मैंने बात की थी, इधर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इंडियन मूवीज़ की शूटिंग हुई हुई है, वो ये वही एरिया है जिधर की मैं बात कर रहा था, वो ये भी वही एरिया। मैं एरिया से भी निकला नहीं हूँ, मैं मेन पॉइंट तक नहीं पहुँचा, जा रहा हूँ आस्ता आस्ता एरिया में तो उतर हो चुका हूँ, लेकिन मेन पॉइंट पर अभी तक नहीं पहुँचा, क्योंकि ये एरिया बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये, हर जगह हर तरफ मुख्तलिफ नज़र हैं अच्छे अच्छे से, पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े ट्रैलर भी आ रहे हैं। हर किस्म की ट्रैफिक इधर चलती है, हर यानी ये नहीं कि सिर्फ छोटी गाड़ियों ऊपर आ सकती हैं, ये इन्होंने बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है, इस वजह से तो ये टूरिस्ट आते हैं एक बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत इस एरिए को बहुत मैनेज किया हुआ है, बहुत फैसिलिटीज दी हुई है। कैसे लग रहे हैं आपको नेचुरल व्यूज? ये भी इनका एक मशहूर पॉइंट है, फेमस है, इधर भी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, इधर भी ये सारा होटल है ऊपर, इधर सारे टूरिस्ट ठहरते हैं और कुछ घर भी हैं। ये इस जगह का इस स्टॉप का नाम है, ये मशहूर है, यानी कि इसको आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ये होटल एरिया दिलवाजन अकेला बंदा को लादा पूरा ये मिलास बुक करना चाहे उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है, कोई रेस्टोरेंट कोई होटल के अंदर रूम लेना चाहे उसके लिए भी हैं, यानी हर तरह की हैं, पूरा विलास भी हैं, ये ऊपर भी एक विलास बना हुआ है, सात दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ये बहुत बेस्ट एरिया है। ऐसे नहीं मैंने कह दिया था कि ये एरिया जो है ना ये मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया है जर्मन का, और जब स्नोफॉल होती है इस एरिया के, इस एरिया के टोटल डिफरेंट मनाजर होते हैं, उस वक्त भी हम आपको इधर लेके आएंगे, आप लोगों को वो भी मनाजर दिखाएंगे स्नोफॉल के, जब स्नोफॉल का सीज़न होता है इधर, वो तो अभी गुजर गया है थोड़ा सा ही हुआ है, तो नेक्स्ट स्नोफॉल का सीज़न आएगा तो हम उसके भी मनाजर इधर से आकर दिखाएंगे, ये टोटली चेंज हो जाते हैं, उसके भी एक ज़्यादा ही सीन होता है, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ियों में गिरा हुआ ये एरिया देखें, इतने प्यारे मनाजर हैं। यहाँ जहाँ तक भी आपको दिखाया जा सकता दिखा रहे हैं,
तो आप गैस करें, एक गैस ही करें आप लोगों के इस डॉक्यूमेंट्री के कितने एपिसोड हो सकते हैं, कितने एपिसोड होंगे? 45 किलोमीटर का एरिया, तो अभी मैंने 5 किलोमीटर का एरिया भी कवर नहीं किया, वो भी अभी एक साइड से भी कवर नहीं किया, चारों साइडों पर करना है, अभी तो एक कोना का छोटा सा भी कवर नहीं हुआ, तो कितने एपिसोड होंगे इसके? तो अभी तो मैंने इस एरिया के आप लोगों को त्री ही जगह भी दिखानी है, पार्क्स दिखाने हैं और बहुत कुछ है, बहुत बगात दिखाने हैं, जब फल लगने हैं वो भी दिखाएंगे। देखें ये वो जगह है जिसका मैंने कहा था कि इधर सॉन्ग पिक्चराइज हुए हुए हैं, आप मुझे याद नहीं पड़ रहा, आपने बताना है मुझे, अगर आप लोगों को किसी को कोई याद पड़ता ही है कोई चीज़ को। रेस्टोरेंट वालों ने कोई जानवर रखे हुए हैं, कोई जू छोटा सा बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट होटल है इधर, रेस्टोरेंट और होटल है, मुझे सामने नज़र आ रहे हैं उसके मनाजर हैं। यानी कि बाग हैं ये सारे, बाग लगे हुए हैं मतलब रोड के। कुछ नॉर्मल भी दरख्त हैं, ये सारा पूरी एरिया है। ये चर्च भी है इधर, रेस्टोरेंट है, होटल है और ये चर्च भी है, उसका भी बहुत है इधर, चर्च की वजह से भी बहुत लोग आते हैं, ये बहुत पुराना चर्च है। बहुत बड़ा चर्च है, बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना चर्च है ये। बोलो धूप निकल आई है, ये सारे होटल हैं जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये साइड पे चर्च है। वाह, ये भी बस स्टॉप है, ये सारे व्यूज आपको कैसे लग रहे हैं अपनी राय जरूर दीजिए।
बहुत ही बेस्ट एरिया है। पीछे वो पीछे रास्ते होटल है और ऐसे क्या कहते हैं जन्नत से नज़ीर ही मनाजर है। तो मैं तो इस एरिए में पिछले 6-7 साल से इस एरिए में रह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुरसकून और बहुत ही अच्छा एरिया है, मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ये। आप लोगों को ये इस डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, वो ज़रूर देखें ताकि उन लोगों को पूरा पता चल सके इस डॉक्यूमेंट्री का बारे में, पूरा देखने से पता चलेगा। और हमारी वीडियो फुल देखा करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये भी होटल है, बहुत बड़ा होटल है ये भी, सारा होटल एरिया है। तो जो हमारे व्लॉग देखते हैं और कमेंट्स में अपनी राय देते हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले व्लॉग्स, इस डॉक्यूमेंट्री के नेक्स्ट पार्ट और आम व्लॉग्स भी आप सब लोग जितने भी व्लॉग्स हैं आने वाले वो सब लोगों तक पहुंच सकें जल्द से जल्द। तो आज इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।